Welcome to HPS for Bandhavi. Today we are going to read Science for Class 8 and the first unit of the Science is the Crop Production and Management. Okay. In crop production, we know how to grow crops and which steps and process is useful and need for the production of the crop and the management. We know how to manage the product of crop and how to manage the various activity involved for the production or growing to a crop. Okay, यानी कि हम इसमें जानेंगे कि हम फसलों कैसे कैसे उगाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, टूल चाहिए, कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स चाहिए, ठीक है, और जो फिर जो हमको एंड प्रोडक्ट क्रॉप होता है क्रॉप्स का, उसको कैसे स्टोर करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, ये सारा हमको जानना है. Okay, now move to next slide. Then first of all living things require food to stay alive. Plants and animals are two main sources of food. Animals are domesticated and raised to obtain food from them to fulfill our needs. Plants, this is the plants, is grown on a large scale. First of all, the food is very important. Food is very important for all the living organisms. Okay, हम ह्यूमन से हमको फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. Because food give us energy. Food से हमको एनर्जी मिलती है. So that we can do any activity. जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं. अगर हमको एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, तो हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे. Also, हम एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है किससे? फूड से, ठीक है. लेकिन फूड के कौन कौन सोर्स है? फूड वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम द टू मेन सोर्सेज. टू मेन सोर्सेज इस टाइप, फर्स्ट द प्लांट्स एंड सेकेंड इज द एनिमल्स. ठीक है, दो सोर्सेज है. अब प्लांट से कैसे? प्लांट से वी ग्रो द क्रॉप्स. ठीक है, फ्रॉम द क्रॉप वी गेन क्रेल्स, वी गेट क्रेल्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स इज द टाइप ऑफ फूड. ओके, इट हेल्प टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस. So that we can do any activity. जो प्लांट से होते हैं, प्लांट से हमको तेल मिलता है, ठीक है, अनाज मिलता है एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन डू एनी वर्क. सो प्लांट इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड सेकेंड इज द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड. जो हम पशुपालन करते हैं, जो पशु पालते हैं, उससे भी हमको फूड मिलता है. कैसे? जैसे गाय भैंस को पालते हैं, उसके मतलब वो दूध, दही, छाछ की, ठीक है, ऑल द थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. और कुछ होता है, जैसे कुछ लोग मीट खाते हैं, फिश हो गई, ठीक है, मुर्गा हो गया. ओके, सो इज द आल्सो टाइप ऑफ फूड. सो देर आर टू मेन टाइप ऑफ, टू मेन सोर्स ऑफ द फूड, फर्स्ट द प्लांट एंड सेकंड द एनिमल्स. ओके, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द फिश. And this is the production of the crops. And what is the farming? Farming क्या होती है? देखो, farming is the process to grow a crop. ठीक है, जो फसल उगाते हैं, फसल उगाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें हम बोलते हैं फार्मिंग, खेती बाड़ी करना. खेती बाड़ी क्या होती है? यू नो वेरी वेल, हम इस तरह जानते हैं. उसमें क्या होता है? क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं. तो वो प्रोसेस फसलों को उगाने की क्या कहलाती है? फार्मिंग. फार्मिंग एंड द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन फार्म्स इज कॉल्ड द फार्मिंग. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूजेज इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री. मीन जो हम खेतों में जो फसल उगाते हैं, ठीक है, जो फसल उगाने की प्रोसेस होती है, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, सॉरी, उसको हम फार्मिंग बोलते हैं. और जो साइंस का एक ब्रांच है एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर दिस जब साइंस की जो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर वो सारी प्रोसेस, जो स्टेप्स, जो हमको जो सारी प्रोसेस या स्टेप्स आती हैं, जो हमको हेल्प करती है किसी भी फसल का प्रोडक्शन करने के लिए. ओके, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ग्रोविंग ऑफ द प्लांट्स और क्रॉप्स. ठीक है, दिस इज द एग्रीकल्चर. एंड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन अवर कंट्री. हमारे देश में होते हैं जो सबसे बड़ा जो पेशा होता है, ठीक है, जो सबसे बड़े लोग काम धंधे में लगे होते हैं, वो लगे होते हैं एग्रीकल्चर में.
over in India almost 50% of population involved in the agriculture. जो हमारे यहाँ जनसंख्या होती है वो लगभग आधी जनसंख्या वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है इन इंडिया. ओके, सो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया. ओके, बिकॉज ओवर 50% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर. ये देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द एग्रीकल्चर, फसल का उगा रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है एग्रीकल्चर, इज द ग्रोविंग ऑफ द क्रॉप्स. एंड व्हाट इज द क्रॉप, क्रॉप क्या होता है, देखो जैसे हम सेम टाइप के, जैसे एक ही तरह के पौधे होते हैं, जैसे हमने एक गेहूं का प्लांट लिया और गेहूं के एक साथ में बहुत सारे गेहूं के पेड़, जो पेड़ पौधे हैं गेहूं के, उनको उगा दिया, तो क्या कहलाएगा, वो क्रॉप कहलाएगा. ठीक है, टू सो व्हाट इज द क्रॉप, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड द क्रॉप. यानी कि जो हम एक ही जगह पे एक साथ में एक ही टाइप के बहुत सारे पेड़ उगाते हैं उसको हम ग्रो बोलते हैं. ओके, टू ग्रो द सेम काइंड सेम टाइप प्लांट्स एट ए वन प्लेस इज कॉल्ड द क्रॉप. एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड द प्रोड्यूस. व्हाट इज द प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट होता है क्रॉप को, जो क्रॉप का प्रोडक्ट होता है हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस. द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड द प्रोड्यूस. ओके, ये देखो ये मेज का पेड़ है, तो एक साथ हम बहुत सारे मेज उगाते हैं, बहुत सारे मक्का उगाते हैं, ठीक है, तो उसको खिलाएगी क्रॉप को, वो खिलाएगा पूरा मेज का क्रॉप खिलाएगा, पूरी मेज की खेती खिलाएगा, मक्के की खेती खिलाएगी. ऐसे बनाना है, तो एक साथ ही हम एक जगह पे एक साथ बहुत सारे केले के जो बनाना के पेड़ होते हैं ट्री लगाते हैं वो लगाते हैं, ठीक है, बनाना के पेड़ लगाते हैं बहुत सारे, तो वो खिलाएगी क्रॉप ऑफ द बनाना. ओके, नाउ व्हाट इज द क्रॉप सीजन, देखो व्हाट इज द क्रॉप सीजन, फसल का सीजन क्या कहलाता है. ठीक है, तो व्हाट सीजन इज द एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सीजन इज द एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड द सीजन. एंड क्रॉप सीजन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच ए सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द क्रॉप सीजन. ठीक है, एक निश्चित समय जिसके अंदर हम कोई फसल को उगाते हैं वो कहलाता है उसका सीजन कहलाता है, उस क्रॉप का सीजन कहलाता है. सो ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन विच ए क्रॉप ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इज कॉल्ड द क्रॉप सीजन. देखो दो टाइप के सीजन होते हैं जो क्रॉप में होते हैं, क्रॉप हैज टू टाइप ऑफ सीजन, फर्स्ट इज द खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड इज द रबी क्रॉप्स. मीन अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ क्रॉप्स वी डिवाइडेड क्रॉप्स इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड इज द रबी क्रॉप्स. ओके, एंड व्हाट इज द खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन जून जुलाई एंड कल्टिवेटेड इन सेप्टेम्बर और अक्टूबर. यानी कि जो फसलें जो जुलाई जून या जुलाई में तो उगाते हैं और सितंबर अक्टूबर काटते हैं उन फसलों को हम बोलते हैं खरीफ. एंड द क्रॉप विच इज ग्रोन इन अक्टूबर नवंबर एंड कल्टिवेटेड इन मार्च और अप्रैल. यानी कि ऐसी फसलें जिनको हम अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं उनको बोल लेते हैं खरीफ, उनको बोलते हैं रबी क्रॉप. So you know very well what is the kharif crop and what is the rabi crop. Okay, rabi crop, the tenure of the rabi crop from June, July to September, October, and tenure of the rabi crop from October, November to March, April. Very important, you have to read or know very well. And next is the classification of the crop. What is the classification of the crop? Mean to divide the crop into different groups is called the क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप. हम जो फसलें होती हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप. हम देखो क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन और ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. यानी कि जो क्रॉप है हम उसको दो तरीके से उसको डिवाइड करते हैं, पहला है ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हम प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके बेस पे, और दूसरा सीजन के बेस पे. तो सीजन के बेस पे मैं जस्ट बताता हूं कौन कौन से टाइप है सीजन के बेस पे, टू टाइप, फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड रबी क्रॉप. अब यहां पे देखेंगे हम ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बेस पे. तो देखो प्रोडक्ट्स के बेस पे कैसे, जैसे वेजिटेबल क्रॉप हो गई, सेकंड इज द फ्रूट क्रॉप, थर्ड इज द ऑयल क्रॉप, ठीक है, एंड द क्रियल्स. ठीक है, ऐसी फसलें जो हमको
जो हम सब्जियों के रूप सब्जियों के सब्जियों में यूज करते हैं वो कहलाती है वेजिटेबल क्रॉप, जो हम फलों में यूज करते हैं वो कहलाती है फ्रूट क्रॉप, और जो हम तेल में यूज करते हैं वो कहलाती है ऑयल क्रॉप। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, वो एक बताया था सीजन के बेस पे दो टाइप बताया था, रबी क्रॉप और खरीफ, सॉरी रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। सो रबी क्रॉप इज कॉल्ड द विंटर क्रॉप, जो रबी क्रॉप है हम उसको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। विंटर क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेन्योर था, अभी जस्ट पीछे से रहने पड़ा था, जो टेन्योर होता है रबी क्रॉप का वो कब था, अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, जो अक्टूबर और नवंबर मंथ, अक्टूबर नवंबर मंथ से मार्च अप्रैल तक क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं विंटर क्रॉप। एंड खरीफ क्रॉप ये कब ग्रो करते हैं, जून जुलाई में, कटने कब है, अक्टूबर नवंबर में, तो उस टाइम क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, इसलिए इस कारण था समर क्रॉप। एनी वन आस्क यू व्हाट इज द समर क्रॉप, समर क्रॉप इज द खरीफ क्रॉप, व्हाट इज द विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप इज द रबी क्रॉप। ओके, कोई पूछा आपको टेनर क्या होता है, सर टेनर जो टाइम पीरियड क्यों कौन सा मंथ होता है, आपको पता है खरीफ का पता है और रबी का। ओके, एंड दिस इज द टाइप ऑफ रबी क्रॉप, ये दर क्रॉप का टाइप है, कौन कौन से, वीट, ओट्स, चिकपीस, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली, ये रबी क्रॉप का टाइप है। एंड दिस इज द खरीफ क्रॉप, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन, तो ये किसके टाइप है, खरीफ क्रॉप के। ओके, इफ एनी वन आस्क यू द सोयाबीन इज आइदर रबी और खरीफ, सो सोयाबीन इज द खरीफ क्रॉप। If any of us ask to you, the wheat is summer crop or winter crop? So look, wheat is the rabi crop and rabi is the winter crop. So wheat is the winter crop. Okay? तो आपको ये जानना है एक चीज कि कौन सी फसल विंटर में है, कौन सी समर में, कौन सी रबी के, कौन सी खरीफ। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टूडे।